हेलो एवरीवन, दिस इज गीतांजलि कोलवेकर सैनी फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र। हेलो, हेलो एवरीवन, क्या मैं लाइव भी चेक करूँ? मेरे पास मेरे इसमें चेक करो लाइव क्या मम्मा। हेलो एवरीवन, स्टार्ट करें। पता नहीं यार क्या है, क्या? हेलो एवरीवन, स्टार्ट करेगा। कौन कौन ऑनलाइन है प्लीज रिप्लाई करिए। हेलो, शिफ्ट स्टार्ट कर दे। ओके, तो अभी स्टार्ट कर रही हूँ मैं, क्योंकि दो ही लोग जुड़े हैं। फाइन, ठीक है, थैंक यू। वो फॉर ज्वाइनिंग के लिए रिक्वेस्ट भेजेंगे तो ऐड कर देना। किसको भेजेंगे तो? हेलो एवरीवन, मैसेल्फ गीतांजलि कोलवेकर सैनी, आई एम फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र। आज मैं आपके सामने बनाने जा रही हूँ कॉटेज चीज़ टमाटिनो क्रॉकेट्स। तो आइए देखते हैं इसकी रेसिपी कैसे बनानी है, देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। ये मैंने पोटैटो बॉईल मैश करके लिया हुआ है, पोहा क्रश करके लिया हुआ है, सॉल्ट, स्पिनच मैंने 1 कप लिया हुआ है। और इस तरीके से आपको इसकी स्ट्रिप्स कट करनी है, लॉन्ग स्ट्रिप्स कट करनी है, पतला। देन 2 टेबलस्पून ऑफ ऑनियन फाइन चॉप्ड, देन ग्रीन चिली 1 टीस्पून, गार्लिक 1 टीस्पून फाइन चॉप करके लेना है। देन कॉटेज चीज़ जो है वो आपको 1 कप लेना है, सेम प्रपोर्शन ऑफ स्पिनच। देन आपको 1/4 कप चीज़ लेना है, प्रोसेस चीज़,
इवन दो आप उसमें थोड़ा मोजरीला चीज यूज कर सकते हो अगर आपको स्ट्रिंग्स चाहिए तो चीजी। देन आप ड्राई फ्रूट्स में मैंने अभी कैश्यू नट्स लिए हैं, 4 कैश्यू नट्स एंड 10 to 15 रेजिन्स आप बारीक चॉप करके लेना है, कट करके लेना है। ये ब्लैक पेपर पाउडर है, क्रश करके लिया हुआ है 1/4 teaspoon। ये कॉर्नफ्लोर है 2 tea tablespoon। ये ऑयल है 2 teaspoon, आपको ऑयल कम ही लगेगा। ये टमाटो है, ये होल टमाटो, मैं आपको कट करके दिखाऊंगी इसको किस तरीके से कट करके स्टफ करना है। ये सेमोलिना है, सूजी, मोटी सूजी लेनी है। और ये मैंने कुछ वाइट एंड ब्लैक सिसमे सीड्स लिए, तिल लिए हैं। तो आइए अब बनाते हैं कॉटन चीज टोमेटिनो क्रोकरेट्स। पहले हम बनाएंगे इसका स्टफिंग, क्योंकि स्टफिंग को हमें रेडी करना है। सबसे पहले रेडी करके इसे हमें ठंडा करना है। ये मैंने पैन गरम करने रखा है, सेम टाइम में हम ऑयल गरम करने रख देती हूँ ताकि हमारा जब बन जाए तो हम इसको फ्राई करने के लिए तेल हमारा रेडी रहे। ये मैंने पैन गरम किया है, करने रखा है। जैसे ही पैन गर्म होगा हम इसमें ऑयल डालेंगे, हमें थोड़ा ऑयल यूज़ करना है। हम 2 teaspoon सिर्फ ऑयल यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर स्टफिंग में ऑयल ज़्यादा हो गया तो पूरा ऑयली ऑयली होगा, स्टफ करने में वो पूरा बाहर आ जाएगा ऑयल। Somebody chef का वेट करो। ओके, ओके। हेलो एवरीवन, कैन आई स्टार्ट नाउ? हाय शेफ। गुड आफ्टरनून गीतांजलि जी। गीतांजलि जी, हाय शेफ। मैं ठीक हूँ। अभी स्टार्ट कर सकते हैं शेफ? या क्या बना रहे हैं? पहले एक बार इंग्रेडिएंट्स से स्टार्ट कर दूं? ओके, पहले अपने रेसिपी का नाम। ओके, क्या आप प्रिपेयर? जी, पूरा इंट्रोडक्शन फिर से देना है? एक छोटा सा मेरे को इंट्रोडक्शन आप पहले दे सकते हैं? ओके, हेलो, मायसेल्फ गीतांजलि कोलवेकर सैनी, आई एम फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र। Today I'm going to show you cottage cheese tomato. तो आइए देखते हैं इसके ingredients. ये मैंने boiled potato लिया है smash करके, 1.5 cup. ये पोहा crush करके लिया है, 3 tablespoon पोहा लगेगा, पोहा powder. सॉल्ट टेस्ट के अनुसार आपको तरीके से लॉन्ग स्ट्रिप्स में कट किया हुआ है। ये आपको लेना है 1 cup. ऑनियन मैंने बारीक चॉप करके लिया हुआ है 2 tablespoon. ग्रीन चिली एंड गार्लिक मैंने चॉप करके लिया है बारीक, 1/1 teaspoon. स्टफिंग के लिए इसमें मैंने कैश्यू नट्स लिए हैं, 5-6 cashew nuts, और रेजिन्स, गोल्डन रेजिन्स जिसको मैंने चॉप करके लिया है 5 chop.
ये कॉटेज चीज है, ये मैंने लिया है 1 कप, सेम रेशियो लाइक जितना आप स्पिनच लोगे उतना ही आपको पनीर लेना है। चीज 1/4 कप, आपके हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो, अगर आपको चाहिए तो आप मोजरेला चीज यूज कर सकते हो थोड़ा बहुत। ये ब्लैक पेपर पाउडर 1/4 टीस्पून, ये कॉर्नफ्लोर है 2 टेबल स्पून, ऑयल 2 TSP, हम इसमें कम ही ऑयल यूज करेंगे। ये स्टफिंग के लिए मैंने रेड पके हुए राइप टमाटोज लिए हैं मीडियम साइज के। ये सेमोलिना लिया है मैंने रोल करने के लिए, 2 to 3 टेबल स्पून लगेगा। मोटी सूजी होनी चाहिए। और डेकोरेशन के लिए कुछ तिल लिया हुआ है, ब्लैक एंड व्हाइट सीसमे सीड्स मिक्स करके लिया हुआ है, आपके पास जो होगा आप यूज कर सकते हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पैन गरम चलिए करने रखा था, सॉरी, हेलो। हाँ तो ऑल द वेरी बेस्ट, सॉरी, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। चलिए स्टार्ट कीजिए। या ये मैंने पैन गरम करने रखा है और सेम टाइम मैंने यहाँ पे ऑयल फ्राई करने के लिए गरम करने रखा है, तो विल स्टार्ट नाउ। ये मेरा पैन गरम हो गया है, अब इसमें मैं मैम मैम एक बार कैमरे पे स्टडी होनी चाहिए, बिकॉज क्लियर बिकॉज नजर नहीं आ क्लियर रहा है। नजर नहीं आ रहे हैं। सॉरी, जो वीडियो है वो जो बहुत ज्यादा वीडियो है वो ब्लर बहुत हो रहा ज्यादा है, ब्लर हो रहे हैं। जो नाउ भी जो भी थोड़ा नाउ इज क्लियर, सा और पीछे थोड़ा लीजिए सा और सो पीछे लीजिए सो दैट दैट ओके। या या मैंने ये पैन गरम करके इसमें भी 2 टीस्पून ऑयल डाला है, जैसे मेरा ये ऑयल गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे गार्लिक एंड चिली, जो हमने चॉप करके लिया था, फाइन चॉप करके लिया था। इसको हमें ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा सॉफ्ट होने तक भूनना है। इसमें हम डालेंगे फाइन चॉप किया ऑनियन, इसको भी हमें सॉफ्ट होने तक कुक करना है। इसको हमें कैरामलाइज नहीं करना है। जैसे ही हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा
ब्लर है वीडियो, वो आपको नहीं दिखा, आपको दिखाऊंगा तो ये नहीं दिखता। नहीं मैं उसे दिखाऊँ, मुझे नहीं दिखना चाहिए। अरे जिसने बोला कि वाईफाई को ऑफ कर दी थी। हेलो 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 यस सर, सर वाईफाई चल रहा है। ओके फाइन, मैं कॉन्स्टेंट रखता हूँ। ओके फाइन, वाईफाई कट। ओके नाउ इट्स ओके। Now the video is clear. Now it's okay. जी yeah. अरे वो सब देखते तो कैसे करते हैं फिर? इसीलिए बोले वो नहीं हो रहा क्या बोलते हैं तो दूर से लो। मैं इतनी दूर से लोग लेकिन देखूंगी नाउ। नहीं हो रहा है, वाईफाई चालू है। वाईफाई चालू है, आई डोंट नो। क्लियर क्यों नहीं हो रहा है? कैमरा क्लियर है, एकदम बस हिला मत उसको, हिला मत नहीं है। नाउ इट्स ओके टू एवरीवन, प्लीज रिप्लाई मी। Now it's okay. Please reply me fast. पूरा ब्लर दिख रहा है, ब्लर कैसे दिखेगा यार? हेलो ये मैम थोड़ा सा डिस्टेंस तो आई थिंक हां आई थिंक हां
या अब दिखाइए अब दिखाइए सर इस साइड से एक मिनट नाउ हाँ थोड़ा सा थोड़ा सा नाउ हाँ हाँ पेन से थोड़ा पेन से थोड़ा कैन आई स्टार्ट ओके श्योर करिए ओके श्योर करिए अभी हमने ऑयल डाला था ऑयल में हमने ऑनियन गार्लिक एंड चिली सौते कर लिए हैं अब हम इसमें डालेंगे स्पिनच स्पिनच को हमें सॉफ्ट होने तक पकाना है आई होप द वीडियो इज क्लियर नाउ इसका मॉइस्चर पूरा जाने तक इसको कुक करना थोड़ा सॉफ्ट होने तक हमें स्पिनच को अभी उतना ही कुक करना है जितना ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और हल्का सा मॉइस्चर इसका चला जाए ऐसा कलर चेंज ज्यादा नहीं होना चाहिए ब्लैक नहीं होना चाहिए ग्रीन दिखना चाहिए ये भी सॉफ्ट हो गया है अब मैं इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए निकाल लेती हूँ एक बाउल में गैस ऑफ कर देती हूँ इस स्टफिंग को हमें इसलिए ठंडा करना है क्योंकि जब हम इसमें चीज मिलाएंगे तो वो मेल्ट नहीं होना चाहिए और जो पनीर है उसको पानी नहीं छूटना चाहिए ये बन गया हमारा स्पिनच का स्टफिंग हम इसको अभी और ठंडा होने देंगे ठंडा होने के बाद इसमें चीज और कॉटन चीज ये सब डाल के मिक्सचर बना लेंगे स्टफिंग बना लेंगे नाउ मैं अभी इसका कवर बना लेती हूँ इसके लिए मैंने ये मैश सॉरी कैमरा थोड़ा सा पीछे लेके जाए ना ओके थोड़ा सा बट आप पूरा या परफेक्ट ओके नाउ इसमें मैंने मैश किया हुआ की ग्रीट किया हुआ पोटैटो लिया है आपको याद रहे कि आपको इसको ग्रीट ही करना है अगर इसमें थोड़ा ये मैंने 1.5 कप बॉइल आपको पूरा रोस्ट करने की जरूरत नहीं है आप ऐसे ही डाल सकते हो क्योंकि एक बाइंडिंग करने के लिए तैयार करने के लिए हमें या तो हम कॉर्नफ्लोर यूज करते हैं या तो फिर पोहा यूज करते हैं तो मैंने पोहा यूज किया है क्योंकि पोहा थोड़ा सा रफ टेक्सचर देगा आप जो भी क्रॉकेट्स बनाओगे उसमें मैं इसमें थोड़ा सॉल्ट डाल देती हूँ
हाँ इस तरीके से आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरीके से जैसे आपका आटा का डो होता है उस तरीके से आपको इसको मिक्स करना है। ये आपका बन गया है कवर, पोटैटो का कवर। अब इसको हम साइड में रखते हैं। अभी जो ये हमारा स्टफिंग था, इस स्टफिंग को मैं इस प्लेट में ले लेती हूँ। ये अभी भी थोड़ा गर्म है, अभी हमें थोड़ा टाइम लिमिट है तो मैं इसमें ही पनीर डाल देती हूँ। थोड़ा सॉल्ट डाल देती हूँ। याद रहे जब भी हम स्पिनच में कभी भी सॉल्ट थोड़ा कम ही डालते हैं। ये ब्लैक पेपर पाउडर। ये मैंने जो नट्स लिए थे चॉप करके, ये मैं इसमें मिला रही हूँ। इन सबको अच्छे से मिला लीजिएगा। आपको थोड़ा इटालियन फ्लेवर देना है तो आप इसमें लाइक हर्ब्स डाल सकते हो, इटालियन हर्ब्स, ओरिगेनो डाल सकते हो। इस तरीके से आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैंने ये जो स्पिनच लंबा लंबा कट किया था लॉन्ग स्ट्रिप्स में, इसका रीजन ये था कि अगर ये बारीक चॉप हो जाता तो ये लाइक थोड़ा लिक्विड फॉर्म में मिक्स हो जाता और वो अच्छा नहीं दिखता कुक होने में। अब हम इसमें ये चीज डालेंगे। ये मैंने पनीर मिक्स किया था तो वो जो स्पिनच था वो थोड़ा सा ठंडा हो गया था, तो जिसकी वजह से मेरा ये चीज मेल्ट नहीं हुआ है, थैंक गॉड। आपको याद रखना है कि आपको ये चीज मेल्ट नहीं होने देना है, तो पहले स्पिनच का स्टफिंग आप रेडी करके रखिएगा एंड देन यू कैन ऐड चीज एंड कॉटेज चीज। नाउ दिस इज डन। ये जो ऑयल है ये मेरा गर्म हो चुका है, अब हम बनाते हैं कॉटेज चीज क्रोकेट्स। इसके लिए पहले हमें कट करना है ये टमाटो। ये मैंने राइप टमाटो मीडियम साइज का लिया हुआ है। इसको आपको हल्की सी पतली स्लाइस कट करनी है सिर्फ इस तरीके से, एंड देन यू हैव टू स्कूप आउट। आपको इसमें से स्कूप करके जो पल्प है, जो सीड्स है, वो आपको निकालने हैं। इस तरीके से
याद रहे इसमें जो भी जूस है टमाटो का वो आपको पूरा निकालना है, सीड्स निकालना है, तभी आप जो स्टफिंग कर पाओगे वो आप अच्छे से कर पाओगे। और आप ज्यादा छोटा टमाटो लोगे तो स्टफिंग अच्छे से नहीं हो पाएगा और इसका लुक अच्छे से नहीं आएगा। और जो मैंने कॉटेज चीज मतलब पनीर जो मेरा मेन इंग्रेडिएंट हीरो है वो इसमें नहीं दिखाई देगा। तो आपको याद रखना है टमाटो ज्यादा बड़ा भी नहीं लेना और ज्यादा छोटा नहीं, अगर आप बड़ा रहते हो तो उसको फ्राई करने में प्रॉब्लम जाती है, स्टफिंग बहुत सारा जाता है नो डाउट, बट वो फ्राई करने में प्रॉब्लम जाती है। नाउ अब मैं इसमें ये स्टफिंग फिल कर दूंगी। इसको स्टफिंग को आपको दबा के फील करना है। तो क्योंकि आप इसमें जितना दबा के फील करोगे उतना अच्छा रहेगा, स्टफिंग बाहर नहीं आना चाहिए, बट अच्छे से प्रेस करके आपको इसको फिंगर से पुश करना है अंदर। अभी एक ही टमाटो का करके दिखा रही हूँ। अब इसको हमें रोल आउट करना है कॉर्नफ्लोर में। ये ड्राई कॉर्नफ्लोर मैंने रोल आउट किया है ताकि इसके ऊपर मैं ये जो मेरा पोटैटो का कवर है वो चिपक सके। अगर आपको थोड़ा डाउट है तो थोड़ा डाउट है कि कॉर्नफ्लोर नहीं चिपकेगा टोमेटो पे, तो थोड़ा सा टोमेटो में पानी डाल के, सॉरी कॉर्नफ्लोर में थोड़ा सा पानी मिक्स करके आप उसको जैसे एग वॉश देते हैं उस तरीके से भी दे सकते हो। लाइक मैंने अभी कॉर्नफ्लोर में थोड़ा पानी मिलाया, मैं थोड़ा सा हल्का सा उसको गीला कर रही हूँ। मैंने ये जो डो बनाया था पोटैटो का ये आपको एक्स्ट्रा लेना है हाथ में, क्योंकि बाकी का जितना एक्स्ट्रा होगा वो हम निकाल देंगे, पर पहले से ही लेते समय आपको ये ज्यादा लेना है, क्योंकि अगर कहीं टमाटो में जगह रह गई तो आप ऊपर से चिपका दोगे तो उतना पोर्शन निकल जाता है। तो मैं भी इसको इस तरीके से हम जैसे रोटी को करते हैं उस तरीके से हम कर देंगे, और थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेती हूँ क्योंकि वन शॉट आपको इसको सेट करना होता है। इस तरीके से आपको टमाटो को कवर करना है। आप थोड़ा पाम पे ऑयल लगा लीजिए। ताकि पाम पे अगर पोटैटो का जो कवर है वो चिपक रहा होगा तो चिपकेगा नहीं, इस तरीके से आपको इसको कवर करना है और यहां तक लाना है। जैसे पराठे में हम लोग स्टफिंग भरते हैं और पराठा एंड तक हम पूरा ऐसे करके लाते हैं, यहाँ तक धीरे 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 ऊपर आना चाहिए। एंड नाउ इसको हमें कवर करना है इस तरीके से। लाइक सील कर देना है इसको।
ये अच्छे से रोल हो रहा है। अब हम इसको सूजी में डाल देंगे, सेमोलिना में रोल आउट कर लेंगे। इसके लिए मैंने ये प्लेट लिया है। ये इस तरीके से आपको इसका बॉल रेडी करना है। ऊपर से अगर कोई स्पेस रह जाता है लगा भी देते हैं तो उसको इस तरीके से आपको अच्छे से रोल आउट करना पड़ेगा। नाउ मैं भी इसमें सूजी डाल देती हूँ एंड ये तिल डाल देती हूँ। ये अच्छे से टाइट हाथों से जैसे हम लड्डू करते हैं उस तरीके से करके इसको मैं रोल आउट कर लेती हूँ। अब फिर से एक बार हाथ से उठा के इस तरीके से टाइट कर लीजिए। हम जिस तरीके से टिक्की फ्रिज में सेट करते हैं आलू की कोई भी चीज अगर हम बनाते हैं तो हम उसको सेट करके फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन इसको इस तरीके से नहीं करना है क्योंकि अगर हम टोमेटो को फ्रिज में रखेंगे तो टोमेटो को ऑब्वियसली स्वेटिंग होता है तो जिसकी वजह से आलू हमारा निकल सकता है। ये अभी हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ये जो बॉल है इस तरीके से रखेंगे और इसको इसमें छोड़ देंगे। और इस तरीके से आपको इसको ऑयल ऊपर डालना पड़ेगा। अगर मतलब ज्यादा कढ़ाई छोटी है और आपका बॉल बड़ा है तो आपको ऊपर से इस तरीके से ऑयल डालना पड़ेगा। बॉल को तब तक आपको हिलाना नहीं है जब तक वो अच्छे से नीचे से सेट नहीं होता है। और इसको मीडियम फ्लेम पे ही आपको कुक करना है क्योंकि अगर आप धीमी आंच करते हो तो ऑयल में कोई भी चीज सेट नहीं हो पाती, वो ऑयल ज्यादा सोख लेती है। और अगर बड़े आंच पे करोगे तो जो ऊपर की सूजी है वो जलने के चांसेस हो सकते हैं। और इसको ज्यादा हिलाना नहीं है इस बॉल को। इसका रीजन ये होता है कि ये आलू टमाटो के ऊपर हम लोगों ने बंद किया हुआ है तो ये छूटने के चांसेस हो सकते हैं, तो इसको अच्छे से पहले एक साइड कुक होने देना है। इस तरीके से आपको ऑयल उसके ऊपर से डालते रहना है जब तक नीचे का साइड गोल्डन ब्राउन नहीं हो रहा या फिर सेट नहीं होता तब तक। इस तरीके से ये इस तरीके से देखिए, इस तरीके से अभी ये इसका कलर चेंज हो गया है। अब मैंने उल्टा कर दिया, उसको नीचे कर दिया, ऊपर का साइड नीचे डाल दिया। अब उसको थोड़ी देर सेट करने देना है। और एक और एक टिप, जब भी आप कोई भी चीज फ्राई करते हो ऑयल में तो ऑयल में अगर आप एक चुटकी सॉल्ट डालते हो तो जो भी चीज आप बना रहे हो, जो भी स्टार्टर आप बना रहे हो, वो तेल कम सकता है। इस तरीके से आपको इसको कुक करना है। अब मैं इसको फिर से एक साइड हो गई अच्छे से। देखिए इस तरीके से रेडिश कलर आना चाहिए हल्का सा।
आपको ध्यान रखना है कि ये जलना नहीं चाहिए, सिमिलरली ऑल साइड से वो सेम कलर आना चाहिए उसमें। ये जो पोटैटो है ये अंदर से रेड कलर पकड़ रहा है और ऊपर का सूजी व्हाइट ही रहना चाहिए, ऊपर का सूजी जलना नहीं चाहिए। ये इस तरीके से इट इज नाइस कलर इज देयर, स्टिल अभी भी हुआ नहीं है इसको, और थोड़ा सा आपको एक साइड नीचे का साइड होना है, अच्छे से फ्राई हो जाएगा। ये जो हमारा कॉटेज चीज टोमेटिनो क्रोकेट्स है ये रेडी है, थोड़ा सा और हम नीचे साइड एक साइड बचा है इसको कुक कर लेते हैं। ये हो गया है सीरीज बॉल, तो हमने ये पीस इसमें लगाए थे, ये आपको अच्छा सा एक अलग टेक्सचर दे रहा है प्लस लुक दे रहा है ब्लैक एंड व्हाइट सीस में, प्लस सूजी का अलग व्हाइट अलग दिखाई दे रहा है। अगर इससे भी ज्यादा मोटी सूजी आपके पास होती है आप यूज कर सकते हो। मैं इसको अब टिश्यू के ऊपर निकाल देती हूँ। गैस बंद कर देती हूँ। अब हम करते हैं प्लेटिंग। इसके लिए मैंने कुछ ये माइक्रोग्रीन्स घर में ही लगाए थे जो हम अभी डेकोरेशन के लिए यूज करेंगे। कुछ सलाद है, ये मैंने चटनी बनाया था, डिप बनाया था मेहंदी, कोरिएंडर मेहंदी, जिसके साथ हम सर्व करेंगे। इसको हल्का सा ठंडा होने देते हैं तब तक हम प्लेटिंग करते हैं। तो आइए देखते हैं इसका प्लेटिंग। मैं ये स्पून से ये चटनी इसमें डीप ड्रॉप कर देती हूँ कोरिएंडर मिंट की। इस तरीके से ये डिजाइन बन गया। ये कुकी कटर है जिससे मैंने ये बनाया है। देन आई पुट सम सलाद इन दैट। मैंने ये कुछ सलाद जूलियंस निकाले थे और ठंडे पानी में इसको रखा था करीब 5 घंटे। Thank you.
इस तरीके से कि कुछ थोड़े से कॉर्न उबाले थे, ये लेमन स्लाइस है, ये कुछ कर्ल्स, जो ग्रीन ओनियन होता है उसके ये कर्ल्स है, इसको इस तरीके से मैं सेट कर देती हूँ ना। ये कुछ माइक्रोग्रीन्स मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ, जो मस्टर्ड सीड्स होते हैं उसको ग्रो करके मैंने ये माइक्रो सीड्स माइक्रोब्स बनाए हैं। ऑनियन का स्लाइस लाइक दिस, मिंट, मिंट लीव्स इस तरीके से। ये मेरा सलाद और प्लेटर रेडी है। अब मैं मेरा जो ये कॉटेज चीज टोमेटिनो क्रॉकेट्स है इसको मैं कट कर देती हूँ सीरीज। इसको हल्के हाथ से उठाना पड़ेगा आपको। और ये जो नाइफ होती है, ब्रेड नाइफ ली है मैंने, आपके पास ऐसी धार वाली छोटी नाइफ भी होती है, आप उससे इसको कट कर सकते हो। हल्के हाथ से आपको कट करना है। इट्स अ ब्यूटिफुल कलरफुल स्टार्टर, यू कैन सर्व टू योर गेस्ट। ये मैं इस तरीके से इसमें रख देती हूँ। मैंने जो प्रपोर्शन दिया है उस हिसाब से आपके 6 पीसेस बनते हैं डिवाइड करके। ये बन गया मेरा प्लेटर रेडी। नाउ आई एम यूजिंग सम कॉर्न्स, क्योंकि यहाँ का प्लेट थोड़ा कवर करती हूँ। Now, मैं ये टमाटो केचप ड्रॉप कर देती हूँ इस तरीके से डॉट्स में। Like this. और ये खाने के लिए रेडी हो गया है मेरा कॉटेज चीज टमाटिनो। अब ये खाने के लिए रेडी हो गया है मेरा टोमेटिनो, मेरा कॉटेज चीज टोमेटिनो क्रोकेट्स। आई होप आप लोगों को सब ये सारी रेसिपी समझ में आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं इसका रिप्लाई दे दूंगी। शेफ इज डन। हेलो, हाय शेफ, माय प्लेटर इज रेडी। दिस इज द प्लेटर। आई होप यू पीपल वुड लाइक इट। सी द व्हाइट लेयर, देन द सॉरी द गोल्डन लेयर, देन द व्हाइट लेयर, and again the tomato red color and green and white stuffing.
हेलो शेफ वेंकटेश, आई होप मेरी ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आ गई होगी। या श्योर मैम, मैं इसका पिक्चर ले लूँगी, फाइनल पिक्चर ले लूँगी और सेंड कर दूँगी, या विद सेल्फी ले लूँगी। See, this is the platter. Okay, so thank you everyone, and thank you Monica ma'am to giving me a platform to show my recipe. Thank you so much for all of you. या संगीता मैम, मैं इसका पिक लेके और रिटर्न रेसिपी भी भेज दूंगी, नो प्रॉब्लम।